धौलपुर जिला कोर्ट में गुरुवार को वकीलों की दबंगई देखने को मिली। वकीलों में न सिर्फ कोर्ट में बैरिकेड्स लगाकर के रास्ता रोका, बल्कि उन्होंने नगर परिषद आयुक्त के साथ में हाथापाई की। सारा मामला कोर्ट परिसर में सीवरेज का गंदा पानी आ जाने से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट परिसर में सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर पहुंच गया, जिसमें कोर्ट में मौजूद वकील आक्रोशित हो गए और उन्होंने नगर के खिलाफ झंडे दिखाते हुए हंगामा कर दिया। हंगामे की खबर के बाद नगर परिषद आयुक्त सौरभ जिंदल कोर्ट परिसर पहुंचे और उन्होंने वकीलों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन समझने की बजाय वकील दबंगई पर उतर आए और उन्होंने आयुक्त की गिरेबान पकड़कर मारपीट की। उन्होंने आयुक्त को गंदे पानी में धकेलने का प्रयास किया। कोर्ट परिसर में वकीलों की दबंगई देखते हुए आयुक्त जिंदल बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाकर निकले। वहीं इस हरकत के बाद वकीलों और नगर परिषद के कर्मचारियों में तनाव बना हुआ है। निगम परिषद आयुक्त नगर परिषद आयुक्त से वकीलों के वहां पर मारपीट की है। ये तस्वीर आपके सामने किस तरीके से दिखाई जा रही है, वहां पर वकील प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे थे। वकील वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे और नगर निगम आयुक्त जो हैं उनके साथ उन्होंने गलत व्यवहार किया है, उनको गंदे पानी में लेकर गए हैं। तस्वीर आपके सामने है, वकील वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे तो परिषद आयुक्त वहां पर उन्हें से समझाइश करने गए थे कि वो उसको प्रदर्शन को शांत करें, हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन वकीलों की ओर से जिस तरह की हरकत की गई है वो कहीं ना कहीं शर्म की बात कही जा सकती है, क्योंकि वकील लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। इस मामले की अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुनेश। मुनेश, बताएं कि आखिर वकीलों ने इस तरह की हरकत क्यों की वहां पर, जब वो वहां पर उनसे समझाइश करने गए थे उनके साथ मारपीट की गई। रौनक, मैं बताना चाहूंगा कि धौलपुर जिले के कोर्ट परिसर में सीवरेज का पानी सड़क पर आ जाने के बाद में वकीलों की दबंगई देखने को सामने आई है, और वहीं जो नगर परिषद आयुक्त को वकीलों ने उसके साथ में बदतमीजी की, मारपीट भी की और उसकी शर्ट तक को फाड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है कि एक तरफ तो वकील न्याय दिलाने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरह की दबंगई देखने को सामने आई है। जी मुनीश, आपने वकीलों से बात करने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने इस तरह की हरकत क्यों की? वकीलों से जब बात करने की कोशिश की गई तो वकीलों ने यही बताया कि ऐसा तो कोई मामला जो अध्यक्ष हैं अभिभावक संघ के राजवीर सिंह अथेलिया, तो उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि ऐसा कोई मामला हमारे संज्ञान में नहीं आया है। तो आपने उनको ये वीडियो दिखाकर बताया कि आखिर आपके अगर संज्ञान में ये मामला नहीं आया तो आपके ये जो कर्मचारी है इस तरह की हरकत कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, वीडियो देख करके तो ये बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं वकीलों की दबंगई तो सामने आई रही है, और वहीं जो नगर परिषद आयुक्त हैं उनके साथ में इस तरह की बदतमीजी करना जो कहीं ना कहीं माना जाए तो ये न्यायोचित नहीं है। जी रौनक, लेकिन 32 में नगर परिषद आयुक्त के कर्मचारी हैं वहां के और वकीलों में भी तनातनी का माहौल देखने को मिला है, और परिषद आयुक्त की ओर से क्या कहना है इस मामले को लेकर कि आगे किस तरह की वो कार्रवाई करेंगे? जी नगर परिषद आयुक्त से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले को उच्च अधिकारियों से अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो वकीलों के खिलाफ की जाएगी। जी मुझे तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ताजा अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह की हरकत वकीलों के द्वारा करना ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वकील अपनी मर्यादा खो चुके हैं। अगर कोई परेशानी उनको थी तो वो प्रदर्शन कर सकते थे, लेकिन इस तरह की हरकत करना उनकी मर्यादा को दर्शाता है कि वो कितने सजग हैं और क्या करते हैं। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।